हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेड वे चारू। आज मैं आप सबके लिए मिनी समोसा रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल ट्रेड वे चारू को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी की ओर, लेट्स गो। सबसे पहले एक बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे, फिर इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से गूंदेंगे। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गूंदेंगे। अब हमारा आटा तैयार है। अब हाथ में तेल लगाकर इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे और इसे बेलेंगे। अब हम उबले आलू को मैश करेंगे और इसमें चॉप ऑनियन डालेंगे और इस कटा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 हल्दी, 1/4 गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा पोटैटो स्टफ मसाला तैयार है। अब हम इसे छोटे छोटे रोल बनाएंगे। अब एक बाउल में मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट तैयार करेंगे। अब मैदे की रोटी को 8 भागों में काटेंगे, फिर इसे पोटैटो रोल पर लपेटेंगे। फिर एक पैन में तेल गरम करेंगे और इसमें पोटैटो रोल को मैदे पेस्ट में डिप करके कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे। अब हम इसे पलटाएंगे और इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। अब हमारे मिनी समोसा रोल्स तैयार हैं। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, एंजॉय, बी सेफ।